इधर पे है, इधर पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे, विमेन को बहुत अवार्ड प्रेजेंट किए जा रहे हैं एंड काफ़ी उनकी सराहना की जा रही है। सो आई एम रियली हैप्पी ये जो इनिशिएटिव है लक्स का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड एंड आई एम ग्लैड कि आई कुड बी हियर। एक्सपेक्टेशंस जो जो परफॉर्मेंस है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंसेज एंड होस्टिंग करण सर एंड शाहरुख सर, अर्जुन, दे आर ऑल होस्टिंग द शो, सो वो भी काफ़ी फन होस्ट है एंड उनको देखने में मज़ा आएगा, सारे परफॉर्मेंसेज देखने में मज़ा आएगा, तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस है। सो या जी बोल, हाँ जी जी, वो तो अंदर जाके अभी आई थिंक ऑफ लेटली दीपिका पादुकोण, वो काफ़ी उनकी जो भी परफॉर्मेंसेज, जो भी फिल्में उन्होंने की हैं वो काफ़ी अच्छी की हैं एंड स्पेशली पीकू हुई, बाजीराव मस्तानी हुई, सो ये सारी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो आई थिंक या अगर कोई चूज करना पड़े ऑप्शन में, सो शी इज़ द वन। जी जी जी, मैंने दिवाली बोनस कहा था, दिवाली का बोनस मिल गया, नहीं वो फन, हाँ तो उसके बारे में कुछ बताऊँ मैं आपको। जो दूसरी, जो पहली अभी मैं जिसका लंदन का स्केड्यूल ख़त्म करके आया हूँ वो है अतिथि इन लंदन एंड इसमें कृति खरबंदा हैं एंड परेश रावल जी हैं, तन्वी आज़मी जी हैं, सो वो एक फिल्म मैं ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट कर दिए एंड कॉमेडी फिल्म है, तो वो एक फिल्म है। दूसरी फिल्म अभी रिसेंटली अनाउंस हुई थी जो कि टी सीरीज़ के साथ है एंड लव रंजन, जो कि लव सर प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर हैं, वही डायरेक्ट कर रहे हैं एंड तो ये एक फिल्म अभी अनाउंस हुई है, वो स्टार्ट अगले मंथ तक होगी। मेरे को एक्टर्स हैं प्यार का पंचनामा के, को एक्टर्स हैं एक नुसरत भरूचा है एंड एक सनी सिंह है, तो ये अभी ये कास्ट है, उसके अलावा सारी डिटेल्स धीरे धीरे पता लगेंगी, बट उसकी फ़ोटोज़ मैं कुछ क्लिक नहीं कर पाया, मैं अतिथि लंदन में बहुत शूट के दौरान की थी क्लिक, तो वो आपने देखी होंगी। क्या पक्का पक्का पक्का, नहीं वो सेल्फी नहीं डाल पाया मैं। मेरे पास ज़्यादा इतने पैसे हैं नहीं, तो वाइट मनी है जितना है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं सेटल्ड हूँ। हाँ आई थिंक इट इज़, आई थिंक इट इज़ सबका, आई थिंक लोग ज़्यादा सतर्क रहेंगे, लोग ज़्यादा जितना क्लीन मनी रहेगा उतना ही बेटर है हमारे देश के लिए, सो इट्स अ राइट मूव। थोड़ी परेशानी, आई थिंक इतना बड़ा स्टेप लिया है तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट जितना इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हर जगह जहाँ जहाँ परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती थी वहाँ पे डेट्स ज़्यादा बढ़ा के रखी, वहाँ पे पैसे यूज़ हो पा रहे हैं, तो आई थिंक इतना नज़र में रखा है गवर्नमेंट ने एंड इतनी परेशानी है, लेकिन वो क्योंकि स्टेप बहुत जल्दी लिया गया, बहुत बड़ा स्टेप था। अब ऐसा किया गया मैंने, अच्छा मुझे नहीं, मुझे मालूम है। अच्छा जी, जी अवार्ड्स भी माय, आप इतने सवाल पूछ रहे हो वो चली गई हो। नहीं अवार्ड्स भी बहुत वैल्यूएबल है एंड मायने रखते हैं हम एक्टर्स के लिए, आई थिंक एक्टर्स ही नहीं सब टेक्नीशियंस के लिए भी काफ़ी मायने लगते हैं, हमारी जितने भी हम लोग एक्टिंग करते हैं हमारे प्रोफेशन में जितना भी चीज़ें करते हैं उसको एंड ऑफ द ईयर सराहा जाता है, सो आई एम रियली हैप्पी कि ये अवार्ड शोज होते हैं और इतने सारे होते हैं, तो हाँ जीतने में मज़ा ही आता है। ओके